माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एक फार्मा पैकेजिंग बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मेडिसिन का एक पैकेजिंग बॉक्स मैं बनाऊंगा और देखते हैं कैसे ये बनता है। तो चलते हैं, मैं रेक्टेंगल बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैं साइज इसके ले लेता हूँ 4x4, ठीक है। ये मैंने 4x4 की साइज ले लिया और इसकी साइज में लगा लेता हूँ कितना ये साइज रहेगा, ठीक है। तो जो ये वाला साइज है मैं पूरा के पूरा 4 हिस्से में ले लेता हूँ। हमारा साइज बैठ रहा है 16x4 के करीब बैठ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 13x19 के साइज में इसको बना देता हूँ, ठीक है। 13x19 का साइज हमारा ये, और ये हमारा पैकेजिंग बॉक्स का साइज ये है, ठीक है, 4x4 का। तो मैं एक साइड में इसकी ले लेता हूँ 0.5 की फेस्टिंग, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर ये कुछ कंसेप्ट है, तो मैं ऊपर भी ले लेता हूँ और ऊपर किसी भी साइज में 0.5 की ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और सेम यही उठा करके मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ जी, और इसके नीचे में बॉटम कर देता हूँ सी, ठीक है। और ये हमारा साइज जो नीचे वाला बैठ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स की कुछ साइजें हो गई हैं, और जो हमारा फ्लैप है ये इसका, ये समझिए कि 75% होगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अंजाद में ही छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके दोनों साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा इसके डिजाइन, और डिजाइन कैसे बनेगा वो आप देखें। पहले तो मैं मैटर लिख लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ मेडिसिन, ठीक है। और नीचे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो मौका भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसकी मैटर को हम सेटिंग कर लेते हैं कि हमारा मैटर क्या रहेगा। तो जो भी मैटर है मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल डिजाइन, ठीक है। तो मैं इसको छोटा और कर लेता हूँ और इसको साइड कर लेता हूँ और एक लोगो में बना लेता हूँ। तो लोगो मेरा रहेगा कुछ अजीब सा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ शेप ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ से कुछ भी लोगो बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमारा मेडिसिन है, तो मेडिसिन से रिलेटेड मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको क्या करूँगा, 5 भागों में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर में बना लेता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं कर देता हूँ एक और कॉपी, और एक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ, यही वाला कलर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा समझ लो लोगो हो गया, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। और इसमें जो और कलर रहेगा अंदर वाली, जो अंदर वाली कलर रहेगा वो हमारा थोड़ा सा इससे कम रहेगा, तो इससे मैं कम कर दे रहा हूँ। हालांकि ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, ठीक है। खैर यही सही रहे, मैं इसको थोड़े से साइड कर देता हूँ। इन दोनों को पकड़ के नीचे करके अब बस हमें डिजाइन बनाने हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लोगो है, और हमें बनाना कैसे है वो आप बस देखें, ठीक है। मेडिसिन बॉक्स, ठीक है। इसमें मैं फॉन्ट कुछ और रखता हूँ, तो हमारा फॉन्ट और ये हमारा कुछ ये नीचे वाला फॉन्ट दूसरा कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉन्ट मैं कुछ अलग कर देता हूँ, ये वाला खैर सही है, ठीक है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इससे मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ी सी और। चलो इसको मैं टाइटल के इसमें कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अभी आप देखें कि ये हमारा डिज़ाइन ऐसे है, बट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ, और जो अंदर की शेप है इसका मैं कलर यही वाला दे देता हूँ, ठीक है। और जो अंदर वाली है जो डिज़ाइन, उसको मैं टॉप में ले लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और इसको लोगो को पकड़ के मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने के बाद, और इसको मैं ट्रांसपेरेंट में ले लेता हूँ। तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट में लेने के बाद ठीक है, मैं इसको थोड़ी सी छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके इसमें पावर क्लिक, ठीक है। तो देखता हूँ ये अच्छा लगता है कि नहीं, हालांकि तो मैंने इसको नीचे कर दिया, और यहाँ पे खैर अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, तो देखते हैं कि ये खैर अच्छा लगता है कि नहीं। मैं इसको घुमा देता हूँ, ठीक है, और घुमा देता हूँ, और जो अंदर वाला शेप है ये वाला, इसके हिसाब से मुझे ये और ये तीनों पकड़ के लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहले देख लेते हैं बॉक्स के सेंटर में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ के सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, और ये जो बॉक्स मैटर है, इसको मैटर को थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो अभी देखेंगे काफ़ी कुछ अलग सा लग रहा है। मैं नीचे आता हूँ, और फ्यूचरा ना होके दूसरा ले लेता हूँ,
दूसरा में हमारा कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा वो मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ और कोई है कि नहीं। हाँ, एक मिल गया, चलो ठीक है, ये सही है। और इसको मैं थोड़ी सी इसके अलाइनमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो आउटलाइन है इसको नन कर देता हूँ। एक तो डिजाइन सिर्फ हमारा ये हो गया, और इसके अंदर की जो शेप है ये करें कि इसको डिलीट कर सकते हैं, और क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें कुछ और शेप दे देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कुछ अलग सा, मैं इसको कंट्रोल के साथ दबा देता हूँ, उसके बाद इसे तिरछा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको पकड़ के थोड़े से बड़ा कर देता हूँ, और इसको पकड़ के थोड़ी सी शेप और अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नीचे करके इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल के साथ जी, और इसकी कलर मैं यही वाला दे देता हूँ, ठीक है। सेम इसको कॉपी करके इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ, और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसके कलर में शिफ्ट के साथ F11 दबा के थोड़ी सी शेप इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये हमारा मैच करता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन में हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। हालांकि ये खैर चल जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको तो डिलीट ही कर देता हूँ। हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई और मैटर ले लेता हूँ। जैसे मान लो यही मैटर है, तो ये मैटर मैं यहाँ पे ले करके और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा, और इसको कॉपी करके एक और मैटर ले लेता हूँ और इसको नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा ये वाला है प्रोफेशनल बॉक्स डिजाइन में बॉक्स लिख लेता हूँ, और इसको मैं सेम ऐसे ही मैटर को लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो अंदर वाली शेप है, सॉरी मैटर, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और इसकी कलर में ले लेता हूँ सेम यही वाला कलर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ, और इसको थोड़ी सी राइट ले लेता हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, मान लो जैसे ML वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट में ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ वाइट, और इसको नन कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको राइट पूरा सटा देता हूँ, ठीक है। तो हम पूरा सटाने का मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा छोटा करके और एक और अंदर से लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अंदर वाला इसको डिलीट कर देता हूँ, वही इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके और इसका एक और लाइन ले लेता हूँ,
और इसको कर देता हूँ मैं ग्रे कलर, ठीक है। अब मैं इसी के बराबर कर देता हूँ, जैसे मान लो ये नीचे करके और इन दोनों को मैं सेम इसी लाइन पे कर देता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं प्रोफेशनल डिजाइन लिखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रोफेशनल बॉक्स डिजाइन, ठीक है, बॉक्स डिजाइन, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के जो अंदर वाली शेप है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कॉपीराइट है, हालांकि ये कॉपीराइट नहीं है, बहुत से चेंजेज है इसमें, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ग्रुप करके और इस वाले में रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस वाले में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पलट देता हूँ और हालांकि सेम डिजाइन यही मेरा इस वाले में भी रहेगा, ठीक है, और इसमें मेरा सीधा रहेगा। और ये जो अंदर वाले डिजाइन है ये इसको मैं टॉप करके फिर सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करके फिर पेस्ट, कंट्रोल एक्स, और इसको डिलीट फिर पेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये साइड में हमारा वाइट वाइट है, तो हम इसको वाइट ही रहने देता हूँ। बस हमें ये देखना है कि ये डिजाइन कैसा लग रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें हम बैकग्राउंड में वाइट दे देता हूँ या फिर यही कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जितना है इसमें मैं वाइट वाइट दे देता हूँ और देखता हूँ इसमें कैसे डिजाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा के पूरा वायर दे दिया, ठीक है। और एक डिजाइन तो ये बन गया, और दूसरा डिजाइन मैं एक और बना देता हूँ। इसको कॉपी किया और लेआउट में गया, इंसर्ट पेज, ओके, और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक काम करूँगा कि जो आपका ये वाला बॉक्स था, पहले तो मैं इसको नन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नीचे, ठीक है, और ये वाला हम कर देता हूँ पूरा ब्लर। अभी उसमें देखे थे तो हमारा तिरछा था, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से 90 डिग्री पे कर देता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री पे करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी सी इस साइड में, लोगो हमारा इस साइड आ जाएगा, लोगो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैटर था हमारा इसको हम वाइट कर देंगे, या तो यहाँ से पूरा ले लेंगे और इसको भी चाहे तो यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दे, खैर सही लग रहा है। और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कि यहाँ से थोड़ी सी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। और जब बैक वाला है मैं इसको देख लेता हूँ कि हमारा डिजाइन ये ऐसे है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि इसमें जो डिजाइन हमारा था
मैटर, यहाँ समझाएंगे कि ये वाला मैटर यहाँ से इंटर में मार देता हूँ, ठीक है। इंटर मारने के बाद थोड़ी सी इसको साइड ले लेता हूँ, साइड लेने के बाद, और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट था तो मैं इसको राइट अलाइनमेंट में कर देता हूँ। और इसमें मैटर लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट बॉक्स डिजाइन, ठीक है। तो मैं ये एक मैटर लिख दिया, और इसमें मैं थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, तो मैं यही वाला कलर कर देता हूँ, इसको पकड़ के टॉप में कर देता हूँ, और जो अंदर वाला शेप है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी और आगे कर देता हूँ, और इस वाले को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मेडिसिन बॉक्स इसको, या फिर इसको डिलीट करके इसके अंदर ले लेता हूँ। और ये वाला जो फॉन्ट है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो मैं ये वाला कर देता हूँ मॉकअप, ठीक है, या फिर दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो और ये वाला जो नीचे वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, इसके सेंटर में ले लेता हूँ, और ये थोड़े से नीचे करके, ठीक है। और खैर सही है, इतना काफ़ी है, बस काफ़ी तो होना ही चाहिए। तो हमारा ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन, मैं इसको कंट्रोल एक्स मारता हूँ, और ये हमारा डिज़ाइन, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको थोड़ी से चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद जो ये वाला डिज़ाइन है, मैं इसको यहाँ पे ले लेके और इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कलर में दे देता हूँ थोड़ी सी चेंज में, तो मैं इस वाले का कलर थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ से जाएं और इसके कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी कलर हमारा थोड़ा चेंज हो गया, और अंदर का जो मैटर है ये वाला मैटर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, या फिर वाइट ही रहने देता हूँ, फिर वाइट ही चल जाएगा। और अभी देखिए मैटर हमारा दब रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा इसके कलर को, ठीक है। तो इसके कलर को बढ़ाने के लिए थोड़े से इसमें हमें और शेप कलर को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से पकड़ के और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा देखें ये कलर था, हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, ठीक है, अब चल जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, और एक काम और कर सकते हैं,
तीनों को पकड़ के सेंटर और इसको भी पकड़ के सेंटर, ठीक है। यहाँ से हम घुमा सकते हैं और इसको डिलीट कंट्रोल के साथ भी, और नीचे वाला डिलीट, ठीक है। तो अभी देखें, हम इसकी अब 3D भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलते हैं इसकी 3D भी बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। बस हमें इसके डिजाइन से लेने हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा पहले वाला जो डिज़ाइन है हमारा, देखें ये सारा सैंपल दिख रहा है। तो मैं एक काम करूँगा कि इसमें थोड़ी सी इसको बढ़ा दूँगा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो शेप है इसको चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं या फिर पूरा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा ले सकते हैं और ये भी बाहर तक, ठीक है। तो मैं इस सिल्वर को भी बाहर ले लेता हूँ और ये जो ये वाला है, पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी अंदर देखें हमारा ये दिख रहा है। तो मैं इसको पहले नन कर देता हूँ और जो ये वाला है मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। और हमारा देखें थोड़ा सा ये दब रहा है तो मैं इसको बढ़ाना चाहूँगा। यहाँ से मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये वाला कलर कर देता हूँ, ये वाला कलर मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला कलर में हमारा थोड़ा उससे चेंज हो रहा है, तो वो वाला कलर हमारा एक तो रहेगा ही, हम इसको दूसरे कलर में देना चाह रहे हैं, ठीक है। इन सबको कलर करके और देखते हैं कि ये वाला डिज़ाइन हमारा कैसा लग रहा है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें ये देखना है कि ये कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें, हमारा ये कंसेप्ट तो ये था। और इसकी 3D अगर देखना चाहेंगे तो मैं वो भी दिखा दूँगा। तो ये तो हमारा पहला डिज़ाइन, दूसरा डिजाइन, पहला डिज़ाइन ये है, ठीक है, और दूसरा डिजाइन हमारा ये है। तो हमारा ये जो अंदर का जो शेप देख रहे हैं, ये इसको भी हम चाहें तो बाहर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ये लीजिए, मैंने बाहर तक ही ले गया। हालांकि बाहर तक ले जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखें ये वाला हमारा डिज़ाइन ये कैसा लगा और ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को पकड़ के मैं ग्रुप करता हूँ और ये वाला डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसमें मैं और इसको भी ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट करके इन दोनों को इक्वल में ले करके इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद नीचे कर देता हूँ, नीचे करने के बाद और सबसे पहले तो इसको मैं नीचे ऊपर कर देता हूँ और ये वाला डिलीट करके नीचे ऊपर ले लेता हूँ और इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर में लेने के बाद और एक तरह से मैंने ओपन डिजाइन बना करके आपको दिखाया कि हाँ ये देखें कि ओपन डिजाइन में ये कैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये
जो ये देख रहे हैं इसमें हमारा कुछ अलग से दिख रहा है, तो मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें तो हमारा खैर आउटलाइन पहले से ही है। अब मैं इसको यही कलर दे के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब सेम यही कलर और ये हमारा डिजाइन से हमने दो कॉन्सेप्ट बना करके दिखा दिया, ठीक है। एक तो ये और दूसरा ये। पहले डिजाइन तो हमारा ये है और दूसरा ये, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम बनाए हैं और ये भी खैर अच्छा है। और वीडियो के लास्ट में देखें और एंड में मेरे वीडियो आते रहते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ और डिज़ाइन से रिलेटेड और टिप्स भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।